सब्सक्राइब करें किचन विद मेहनाज आबद, बेल आइकन को प्रेस करें अगर आप भी कुछ नया नया सीखना चाहते हैं। जबरदस्त रेसिपी दे रही हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त। हमने आधा किलो भिंडी ले ली है जो मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट ली है। क्यों मैंने आधा किलो गोश्त लिया था जो मैंने बॉईल कर लिया है, लहसुन और नमक डालकर। तीन अदद हमने प्याज काट लिए है, दो अदद हमने टमाटर ले लिए, एक कप मैंने ऑयल ले लिया है, ये मसाले जो जाएंगे, एक स्पून मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, आधा स्पून मैंने गरम मसाला ले लिया है, एक स्पून मैंने रेड चिली ले लिया है, लहसुन और अदरक का पेस्ट एक स्पून ले लिया है, हल्दी पाउडर मैंने ले लिया आधा स्पून, नमक ले लिया मैंने आधा स्पून। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ऑयल डाला है, अब हम इसमें प्याज डालने लगे हैं। अब हम प्याज ब्राउन करने लगे हैं। हम हल्के ब्राउन करेंगे क्योंकि भिंडी में खड़े प्याज अच्छे लगते हैं। ये हमारे हल्के प्याज ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इसमें भिंडी डालेंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। भिंडी हमारी हल्की ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, ये धनिया, नमक, हल्दी पाउडर, लहसुन और अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर और रेड चिली। ये मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए हम भूनेंगे। अब हमने जो गोश्त रखा हुआ था बॉईल करके वो डालेंगे। हम मज़ीद हम चार पाँच मिनट के लिए भूनेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कलरफुल भिंडी तैयार हो गई है। तकरीबन हमारी तैयार हो चुकी है, भिंडी हमारी गल गई है। भिंडी हमारी अब तैयार हो गई है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ठीक है, चूल्हा हम बंद कर लेते हैं। हमारा भिंडी गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो गया है।